YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। नगर परिषद अध्यक्ष रही पूनम सिंह आज पर्चा दाखिल करने के लिए फॉर्म खरीदने समार नाले पहुंची, जहां एक सवाल के जवाब में श्रीमती सिंह ने भाजपा पर भ्रष्टाचार जातिवाद करने का राजनीति करने वाला पार्टी बतलाया। नामांकन की प्रक्रिया चालू होने के साथ ही अभी जो पूर्व में रही है नगर परिषद अध्यक्ष पूनम सिंह हमारे साथ हैं, जानेंगे कि अंतिम टिकट की दावेदारी कहाँ की। पूनम जी, टिकट की दावेदारी आपने कहा कि मुख्यमंत्री के पैसे करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, ऐसे तो मेरी जरूरत पार्टी, मुझे कोई दल के जरूरत नहीं। और बीजेपी में जाने से बहुत लोग हमसे नाराज भी थे, भले कि बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, उससे अच्छा निर्दलीय आती, लेकिन सबका जो सोच था वही हुआ। और ये बताने की कहने की बात नहीं है, ये तो हर कोई जानते हैं कि भ्रष्टाचार जो है सो उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, अकेले हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और ये पैसा का गेम हुआ है, टिकट में पैसे की गेम हुआ। क्या लगता है झंडा ढोने वाले को हाथ नहीं लगा, यही तो बात आ रहा है सामने कि जो लोग झंडा ढोए उनको भी दरकिनार किया गया? जी, तो वही तो बात आती है कि सब पैसे का खेल है। जो शुरू से बीजेपी में रह चुकी हैं, जो भाजपा नेत्री जो नीलू मिश्रा, उनको उप मेयर का टिकट दिया जाता है, जो कि मेयर के दावेदार हैं। और एज ए बिजनेसमैन को नहीं आना चाहिए, जो बिजनेस को समाज से समाज को तोलते हैं। क्या लगा कि पूरे पैसे समाज में सेवा भावना से आना चाहिए, बिजनेस के भावना से नहीं? क्या लगा कि पूरा पैसा का गेम हो गया? ये बताने की बात ही नहीं, हर कोई जानता है कि पैसा के गेम चला है तो ये, और जातिवाद का गेम चला है। क्योंकि अगर ये टिकट अगर नहीं देना था किसी फॉरवर्ड को, तो फिर ये सीट को ही बैकवर्ड कर देना चाहिए था, फॉरवर्ड सीट रहना ही नहीं चाहिए था। तो क्या लगता है, ये एक मुख्यमंत्री की बात आपने ही कहा, मुख्यमंत्री ही पैसे के ही बोली बोले, और आपको सही कहीं कहाँ ना कहाँ आप पीछे रह गए इस मामले में? देखिए, मुख्यमंत्री का ही कहना है कि ऐसे प्रत्याशी को हम टिकट देंगे जो कि सीट निकाल सके। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग को जो टिकट मिला है वो क्या सीट निकाल सकेंगे, कि बीजेपी के लुटिया गोल हो जाएगी? यानी आप मानते हैं कि बीजेपी के लुटिया गोल हो रहा है? जी जी है? जरूर। इस बार क्या, क्योंकि पार्टी पर वोट नहीं देते हैं लोग प्रत्याशी पर देते हैं कि उनका छवि कैसा है, व्यवहार कैसा है, लोगों से कैसे मिलेंगे, लोगों के बीच काम करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कि वोट लेके हम घर में सोए हैं, टिकट मिल गया और नाम पर कोई हमको वोट दे देगा। यानी भ्रष्टाचार पूरा सामने आ गया, खुल करके पूरा सामने खुल कर आ गया है। कहाँ आप पीछे रह गए, पैसे देने में पीछे रह गए या पहुँच में कहीं कमी रह गए? पहुँच में कमी नहीं, कभी कम नहीं है, सर्वे हो या हर चीज़ में हम आगे हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों का भी कहना था कि ये राजकुमारी हो या जो भी हो, ये कि दिखावा है, ये कार्यकर्ता को उलझाने का काम चल रहा है, बाकी जो भी करना होगा मुख्यमंत्री करेंगे। अब मुख्यमंत्री ने सब काम कर दिया, तो मुख्यमंत्री जी देखेंगे कि जैसे यूपी में बीजेपी का सीट निकला है, उस तरह यहाँ से भी सीट निकलेगा कि नहीं। अगर वो चाहते सीट निकालना चाहते तो पूनम सिंह को जरूर टिकट देते, क्योंकि हर एक के जमान पे यही था कि बीजेपी का सीट निकालना है तो पूनम सिंह को टिकट देते, हमें कोई पार्टी की जरूरत नहीं। चलिए, हमें कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, पूरी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और मुख्यमंत्री ने जातिवाद को बढ़ावा दिया व पैसे के बढ़ावा दिया, यही वजह है कि टिकट पूनम सिंह के हाथ से निकल गया। अगर देना ही था किसी बैकवर्ड को तो पूरी सीट ही बैकवर्ड हो जाती, यही बातें कह रहे हैं पूनम सिंह। वैसे तो अभी लगातार ये बातें उठ रही है कि वैसे लोगों को टिकट मिला जिसने कभी झंडा नहीं ढोया। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा।